हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम आसान वर्जन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे बचे हुए चावल से बनाएंगे। ये मैंने मॉर्निंग में चावल बनाए थे, बच गए हैं। इसकी बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश, ये मैंने 1 कप से थोड़े से ज़्यादा है। अब इन चावलों को एक मिक्सी के बोल में हम पलट लेंगे। ना तो पानी का यूज करेंगे ना ही दूध का, केवल हमें ऐसे ही मिक्सी के बोल में पीसना है और मिक्सी को रुक रुक के चलाना है जिससे मिक्सी हमारी गर्म ना हो। यहाँ हमने ले लिए एक बड़ी सी परात। अब इस परात में पहले हम डाल लेते हैं घी, जिससे हम राइस डालें ना तो ये चिपके नहीं हाथ के ऊपर, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून भर कर ये घी लिया। और हम इसमें पलट लेंगे जो चावल हमने मिक्सी के जार में पीसे थे। मैंने इसमें ना तो पानी का यूज किया है ना ही दूध का, ये ऐसे ही रुक रुक कर मिक्सी चलाई थी उसी से ये पीस कर तैयार हो गए। साथ में हम इसमें मिक्स कर देंगे 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर। मैंने चीनी को मिक्सी के जार में पीस लिया था। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करते हुए एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। घी डालने से ये हाथों पे भी नहीं चिपकेगा और परात के ऊपर भी नहीं चिपकेगा। इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं तो लगता है ये हमारा डो गीला हो गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये गीला नहीं होगा। जब तक आप इसमें, अगर आपने घी डाला हुआ है, ना तो हाथों पे चिपकेगा ना ही ये गीला होगा। ये देखिए कितना आराम से डो लगकर तैयार हो गया है। हमने यहाँ 1 प्लेट में ले लिए सीसम सीड, यानी कि सफ़ेद वाले तिल, इनको साइड कर देते हैं। अब हम पहले इनके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्वीट डिश है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम एक एक पेड़े को उठाएंगे इस तरह से गोल, या आप पेड़ा इसका बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, या चौकोर बना सकते हैं। देखिए सारे पेड़े बनकर हमारे तैयार हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और ये तिल है ना, बस इसको लपेट लेंगे। ना ही घंटों की मेहनत, ना ही हमें कुछ करना, बस अच्छे से चावल इसके ऊपर चिपक जाएं। इसी तरह हम सारे चावल इन पेड़ों पे लगा लेंगे। सॉरी, मैं चावल भूल गई थी, ये तिल है। तिल हम इसमें अच्छे से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने पैन में घी गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी आराम से पक जाते हैं, क्योंकि चावल हमारे पहले से पके हुए हैं। एक बार में जितने आ जाएंगे उतने हम डालेंगे। उलटते पलटते हम इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है अब तक की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मिठाई बनकर। बहुत ही कम समय में इससे जल्दी कोई मीठी डिश बनी नहीं सकती। मैं आपको आप एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खाने में। आप इस स्वीट डिश को किसी भी तीज त्यौहार पर भी बना सकते हैं, और तीज त्यौहार का ही क्यों इंतज़ार करना, जब भी चावल बच जाए ये मिठाई आप बनाकर खा सकते हैं।
आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।